इंदौर कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अधिकारियों और बाहरी दलालों की मिलीभगत का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल विभाग में चल रहा भ्रष्टाचार तब सामने आया जब एक सफाई कर्मचारी अपनी बीमा राशि के लिए पिछले 10 महीने से ईएसआई के चक्कर लगा रहा था। तो उसमें भी एक कर्मचारी अगर भर्ती है वो गरीब है, मजदूर है, इसलिए तो सरकार ने ये ईएसआई बनाया। और अगर वो मजदूर भर्ती हुआ तो उसको तत्काल उसका पैसा मिलना चाहिए। आप छह छह तीन तीन चार चार महीने तो फाइलों को झुलाते रहते हो यहाँ पर बिलों और उसके बाद करते भी हो, तो कहाँ 1 लाख रुपए का बिल और कहाँ 10,000 रुपए का बिल। इससे तो करना ही नहीं ठीक नहीं है, फिर योजना का ही है सरकार की। ईएसआई ने पीड़ित के 1 लाख रुपए के क्लेम को 12,000 कर दिए। पीड़ित द्वारा राज्य सफाई कर्मचारी संघ में शिकायत की गई, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश शासन के संचालक डॉक्टर बीएल बंगेरिया से बात की तो आनन फानन में विभाग ने 12,000 को 27,000 कर दिए। भ्रष्टाचार के शक के आधार पर करोसिया अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ विभाग पहुंचे, जहां अधिकारियों को कई भ्रष्टाचार से अवगत करवाया गया। साथ ही करोसिया द्वारा विभाग से पिछले 2 माह का रिकॉर्ड भी मांगा गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए बगेरिया ने जांच करने की बात कही और दोषियों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इससे पहले भी कर्मचारी राज्य बीमा सेवा विभाग भ्रष्टाचार जैसी चर्चाओं में रहा है। वहीं बताया जाता है कि मेडिसिन के लिए भी मरीजों को 15-15 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, विभाग बाहरी दलालों से भी भरा पड़ा है, जो लेन देन कर क्लेम का पूरा पैसा दिलवा देते हैं, जिसके चलते मजदूर वर्ग बीमा राशि योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। आज तक लोग यहाँ पर हम मिलने आए तो हमारे सामने कई मजदूर मिलने आए कि हम 6-7 महीने से चक्कर खा रहे हैं। हमने प्रबंध संचालक बंगोरिया जी से उनके सामने बीवाल जी को भी बुलाया और बातचीत की। उन्होंने निर्देश दिया कि 7 दिन के भीतर इनके पत्रों प्रकरणों का निराकरण हो जाना चाहिए। और दूसरा मैंने किया कि जो अस्पतालों में पिछले 6 माह में इन्होंने जो क्लेम भेजे हैं उनका परीक्षण हमें करा दो कि अगर 1 लाख रुपए का क्लेम बॉम्बे हॉस्पिटल से आया तो उसको कितना रुपए भेजे, चोइतराम से कितना आया है तो उसको कितना रुपए भेजे। अगर इन्होंने 1 लाख के 12,000 रुपए भेजे होंगे तो फिर मजदूर को ईएसआई कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के ये मनमानी करके मजदूरों को। अब मजदूर आदमी तो जिसकी जेब में पैसा नहीं है, इसलिए तो सरकार ने ईएसआई लागू की कि इनको बीमांकित करो। मामला बिल्कुल लेके था, उनको समझा दिया गया है कि जो नियम अनुसार होगा उसके अनुसार भुगतान किया जाएगा। और आपको यदि ऐसी कोई शंका है तो पिछले 6 महीने के बिल वो देख के चेक कर लेंगे, संतुष्ट हो गए और कोई उसमें गलती हुई तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जो भी नियम अनुसार है वो कार्रवाई की जाएगी। ये गलत है, अभी भ्रष्टाचार को ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है, जब वो बिल देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा इसमें भ्रष्टाचार है। इंदौर से दाऊद कुरैशी की रिपोर्ट।